जब लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ ये आदमी बोल रहा है मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ। यदि नहीं हूँ तो आज से ही बनने का प्रयास करो, और यदि हो तो अहंकार मत करो मेरे भाई, ध्यान रखना, सोचना है। आज से ही अच्छे बनने का प्रयास करिए, वक्त का इंतजार मत करो, आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। कोई प्रशंसा करे तो देख लेना मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं। ध्यान रखना, बहुत सी आत्मकथाएं इस दुनिया में हैं, वर्णी जी की आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की आत्मकथा पढ़ो या ना पढ़ो, आदमी को अपनी आत्मकथा जरूर पढ़ना चाहिए कि लोग मुझे जैसा समझ रहे हैं वैसा मैं हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, ऐसा तो नहीं लोग महान समझें मैं निकृष्ट जीवन जी रहा हूं। लोगों के साथ अविश्वास मत करो, यदि लोग आपको महान समझते हैं तो महान बनने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, नाभि राय ने देखा, एक घटना घट गई, दो घटनाएं, क्या देखा नाभि राय ने, दर्पण में अंतर्मुखी हो रहे थे, अपना प्रतिबिंब देखा, तो नाभि राय ने देखा उनका मुकुट झुक गया। अरे, नाभि राय ने कहा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब सत्ता के दिन गए, और जब सत्ता के दिन चले जाएं तो सत्य में जीने की साधना प्रारंभ कर देना चाहिए। मुकुट झुक गया नाभि राय का, इसका मतलब है सत्ता खत्म, अब बुढ़ापा शुरू हो गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। अभी शोभा ताई जी ऊपर कमरे में कह रही थी बूढ़ा कौन, मैंने कहा प्रवचन में बताएंगे। ध्यान रखिए, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, कोई ना बचेगा इस बुढ़ापे, जियोगे तो, मर गए तो काय को आएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, बुढ़ापा जरूर आएगा, सभी को आना है। एक बात याद रखना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। बुढ़ापे में पुण्य का अर्जन, बचपन में मां की गोद में सोए, एक सूत्र दे रहा हूं बुढ़ापे के लिए, बचपन में मां की गोद में सोए, जवानी में पत्नी के साथ सोए, बुढ़ापे में परमात्मा के साथ सो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। बुढ़ापे में अब भगवान के सहारे सो, परमात्मा के साथ सो, बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, एक सूत्र दे रहा हूं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। ध्यान रखिए, रातों की नींद किनकी हराम होती है, जो दिन में गलत काम किया करते हैं। ध्यान रखना, दिन ऐसा बताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। सुबह मुंह दिखाने में वही शर्म करते हैं जो रात को गलत तरीके से जिया करते हैं। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, रात ऐसी बिताओ सुबह मुंह दिखाने में शर्म ना आए। अरे जवानी ऐसी बिताओ बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये इस सूत्र है जीवन, ऐसा बुढ़ापा जियो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ध्यान रखना, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिला करता है, बच्चे को हर कोई प्रेम करता है, जो आता है गाल पकड़ेगा, चुटकी बजाएगा, बच्चे से बात करेगा, गोद में उठाएगा, उछालेगा, इसके लिए बच्चे ने कुछ नहीं किया है। ध्यान रखना, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्रेम अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में प्रेम मांगना पड़ता है। मेरे भाई,
यदि गलत तरीके से जिंदगी जियोगे तो बुढ़ापे में आदमी रुपया पैसा नहीं प्रेम की भीख मांगा करता है। यदि सही जिंदगी जियोगे तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा बल्कि बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है। यदि अच्छे से जवानी जी है बुढ़ापे में महात्मा गांधी की तरह सारी दुनिया तुम्हें राष्ट्रपिता कहने को तैयार। बुढ़ापा सही जी ध्यान रखना कुर्सी का खेल। जो जब देश आजाद हुआ प्रस्ताव आया महात्मा गांधी को राष्ट्रपति बना दिया जाए प्रधानमंत्री बना दिया जाए। गांधी जी ने कहा नहीं ये लड़ाई मैंने कुर्सी के लिए नहीं लड़ी मैंने तो इसलिए लड़ी कि अब तुम कुर्सी के लिए लड़ते रहना मैं तो तुम्हें आजाद करके जा रहा हूं। ध्यान रखना गांधी ने कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। एक बात याद रखना जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं यदि गांधी जी राष्ट्रपति बन जाते कुर्सी पर बैठ जाते तो राष्ट्रपति कहलाते गांधी ने कुर्सी छोड़ी राष्ट्रपिता कहलाए। ध्यान रखिए वो राष्ट्रपति नहीं कहलाए। ध्यान रखना राष्ट्रपति तो दुनिया के हर देश में होगा राष्ट्रपिता केवल हमारे देश में हुआ करता है। कुर्सी पकड़ोगे राष्ट्रपति बनोगे कुर्सी छोड़ोगे राष्ट्रपिता कहलाओगे। और एक बात याद रखना राष्ट्रपति की कुर्सी 5 साल की है राष्ट्रपिता हजारों साल जीवित रहा करता है। ध्यान रखिए राष्ट्रपिता का चुनाव थोड़ी होता है वो तो हजार अमर कुर्सी है। ध्यान रखिए माननीय नाभि राय ने देखा कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है। ध्यान नहीं छोड़ पा रहे हम करें क्या नहीं छोड़ते हैं बड़ी आस लगा के बैठते हैं। अभी अटल जी का देहावसान हुआ अंतिम संस्कार था मैंने बताया था ना ऊपर से आडवाणी जी को फोन आ गया ऊपर से कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए अटल जी चले गए अब चलोगे या कोई बहाना और बचा है। ध्यान रखिए माननीय अब चलने का समय है क्या और कोई बहाना चाहिए तुमको। ध्यान रखिए गया समय माननीय सोचना है आपको बुढ़ापा गलत तरीके से जियोगे जवानी गलत तरीके से जियोगे बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। लोग कहते हैं बुढ़ापा दुखदाई होता है मैं पुलक सागर कहता हूं बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है जवानी में जो दुखदाई काम करता है उसका बुढ़ापा दुखदाई हुआ करता है। किसका होता बुढ़ापा किसका बिगड़ता है जो जवानी बिगाड़ता है। ध्यान रखिए मान्य सोचना है आपको बुढ़ापे को अच्छे से जियो। ये मत सोचो बुढ़ापे में ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते। ध्यान रखना ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन का समापन है ये मत सोचो कि बुढ़ापा जीवन की इतिवृत्ति है बुढ़ापा अपराध है बुढ़ापा अभिशाप है ऐसा मत सोचिए मेरे भाई। क्यों सोचते हो बुढ़ापा अभिशाप है मैं तो कहता हूं बुढ़ापा जीवन का सुनहरा अध्याय हुआ करता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम उपसंहार बड़ा सुनहरा और सुखद हुआ करता है। कौन कहता है बुढ़ापा खराब है आचार्य शांति सागर महाराज को देखना उनका बुढ़ापा कितना महान हुआ कितना धन्य हुआ आज सारी दुनिया उन्हें पूज रही है बुढ़ापे में तो हुआ है सब उनको। ध्यान रखना कितना महान बुढ़ापा आज आचार्य शांति सागर महाराज एक संत को एक संसारी को देखना बड़ा मजे की बात बता रहा हूं। एक संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है कितना भी सुंदर हो बदसूरत होते जाता है। ध्यान रखना संसारी बुढ़ापे में बदसूरत होता है और संत जवानी में बदसूरत हो बुढ़ापे में खूबसूरत होते जाता है सुंदर होते जाता है। यहां चित्र लगा है आचार्य शांति सागर महाराज का बुढ़ापा है। ध्यान रखना मुंह में दांत नहीं है झुर्रियां पड़ी है फिर भी देखो कितना सुंदर चेहरा रखता है। मान्यवर ध्यान रखिए ये संत पुरुष हैं आचार्य विद्या सागर जी महाराज ज्यों ज्यों वृद्धावस्था आ रही है त्यों त्यों चेहरे पर तेज प्रकट होते जा रहा है ये संतों की परिभाषा है। आप गांधी जी की जवानी की फोटो देखना कोई अच्छे नहीं लगते देखने में
लेकिन किसी डाक टिकट पे देखना बिना दांत का मुंह जब खुला रहता है इतना वात्सल्य टपकता है, ये संतों की निशानी है। मान्यवर ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं संत त्यों त्यों खूबसूरत हुआ करते हैं, और बुढ़ापा और संसारी ज्यों ज्यों बूढ़ा होगा बदसूरत होते जाएगा। क्यों? शरीर भोगों में लगा दिया है, अब तेज कहां से आएगा, कांति कहां? संत का शरीर भोगों में नहीं लगता है, वो तो योग में लगता है, साधना में लगा करता है। मान्यवर संतों को किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है।